कॉर्पोरेशन कमिश्नर नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। गुलबर्गा एमएलए नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। कॉर्पोरेशन कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलबर्गा एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए है या नहीं है हमारे खुद को पता नहीं होता है कि इतने मासूम बच्चे उनके ही कॉन्स्टिट्यूंसी के नॉर्थ के दवाखाने में 6-6 साल के बच्चे हैं जिसकी आंख पे ऐसा कुत्ता पकड़ लिया है, जिसके सर पर 5 टाके पड़े हैं, 6 साल के 4-5 बच्चे हैं। हमारे कई सारे माँ और बहनें हैं, उन्हें कुत्ता काटने के बाद भी हमारे एमएलए रिबिन काटने में, केक काटने में उनको फुर्सत नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर आकर क्या देखेंगे। तकरीबन हम पिछले कई दिनों से इस मसले को उठा रहे हैं, लेकिन आज हम खुल के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे को ये बोला जाता है कि लेडीज़ है एमएलए हमारी, कुछ मत बोलो बोलकर, लेकिन आज हमारे दिल में जब बच्चों को देख रहे हैं तो ऐसा गुस्सा आ रहा है हमारे ऊपर कि हम अब क्या करें। मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इन कुत्तों को गुलबर्गा के बाहर किया जाए, वरना आने वाले दिनों में जगत सर्कल पर जगत सर्कल पूरा ब्लॉक कर एहतजाज किया जाएगा और कॉर्पोरेशन कमिश्नर में कुत्तों को हम खुद पकड़ कर लाकर छोड़ा जाए, छोड़ने का काम करेंगे। कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास गुलबर्गा JDS की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है। ये मेमोरेंडम एक जस्ट एक मतलब इंटीमेशन देने के लिए, हालांकि वो सोए हुए हैं, ये उनको अच्छी तरह से जानकारी है कि कितने कुत्ते, आवारा कुत्ते फिर रहे हैं रस्ते पे, कितने कुत्तों को रैबिस हुआ है और वो रैबिस वो जो दूसरों को काट कर वो फैला रहे हैं, ये सभी जानकारी कॉर्पोरेशन को या गुलबर्गा के नॉर्थ के MLA को सभी जानकारी होते हुए भी वो सोकर कुछ नहीं मालूम इस अंदाज में अपना दिन काट रहे हैं। तो आज हम कॉर्पोरेशन को जगाने के लिए यहाँ पर जनता दल सेक्युलर की तरफ से एक मेमोरेंडम देते हैं। अगर इस मेमोरेंडम के ऊपर कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने स्टेप नहीं लिया, आवारे कुत्तों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाकर उनको 15 दिन के अंदर रिहैबिलिटेट करते हुए गुलबर्गा को ये आवारा कुत्तों से जब तक मुक्ति नहीं दिलाएंगे 15 दिनों में, नहीं तो पूरी जनता दल टीम रस्ते पे उतर कर जगत सर्कल के ऊपर एक बहुत बड़ा बहिष्कार करते हुए कॉर्पोरेशन को हम ताला डालेंगे। 3 दिन से तो कंटिन्यू लगातार कुत्तों का जो आतंक है वो आए दिन लोगों के ऊपर इसका असर हो रहा है, कंटिन्यू उसको काट रहे हैं 3 दिन से कंटिन्यू। आज तक भी कॉर्पोरेशन कमिश्नर के कमिश्नर साहब, हेल्थ का कमिश्नर और हमारे हेल्थ के जो ये हैं हेल्थ ऑफिसर जो है, उन्होंने भी आज तक वहाँ पर जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजिट नहीं करे, और आए दिन क्या करते, थोड़े कुत्तों को पकड़ को क्या करते, बाहर नहीं जाकर सिटी के बाहर छोड़ते, फिर वो कुत्ते वापस सिटी के अंदर आके फिर लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो हमारे को यहाँ पर दिख के ये आ रहा है कि भाई कॉर्पोरेशन के ये पूरे नाकामे हैं। क्यों नाकामे हैं वो तो, इनके ऊपर जो MLA जीत गए हैं वो लोग घर में जाके सो गए हैं, बेंगलुरु में जाके ये लोग सो रहे हैं। इसके लिए आवाम को क्या है मालूम, ये तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये छोटे छोटे 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चों को देखो, आंख को पकड़ा है बच्चा, आप सोशल मीडिया के तरह 3 दिन से देख रहे हैं कितनी बुरी तरह से काटे हुए। इसके बावजूद भी क्या है मालूम, कोई आज तक ना MLA, ना गुलबर्गा के MP, ना इंचार्ज मिनिस्टर, तीनों लोग आज तक आके हॉस्पिटल में विजिट नहीं करे, वहाँ पर उनको क्या दे रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या दे रही है, उनके आज तक भी उन्होंने आके नहीं पूछे। शहर में एक MLA 100-200 करोड़ रुपए फंड लाता है, शहर के 2 MLA अभी भी नींद में जागे हुए हैं, 1 MLA पूरे शहर में काम कराता है और दूसरे MLA अभी भी सोए हुए हैं। कब तक इन लोगों के नाम पे हम रोते रहेंगे, कब तक हम इसी तरह ठोकरें खाते रहेंगे और कुत्तों के काटने के लेकर पानी पीने से लेकर लाइट की रोशनी से चलने के रोड़ों तक की परेशानियाँ हमारे पास हैं। हमें किसी का नाम नहीं लेना, अब नाम ले लेकर हमें शर्म आने लगी है, बहुत हो गया। मैं सिर्फ कॉर्पोरेशन कमिश्नर और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट RC से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शहर में महानगर पालिका की इलेक्शन कराइए, क्योंकि हम अपने कैंडिडेट को पकड़ेंगे, इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे शहर में जो लोग इलेक्टेड हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों से कुछ होने वाला नहीं, खत्ते ही कुछ नहीं होने वाला है। आप हमारे ऊपर मेहरबानी करिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ शहर में महानगर पालिका की इलेक्शन कराइए।